नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। तो आज हम गांव में आए हैं और धान की फसल में कौन कौन सा खरपतवार होता है, कौन कौन सा घास होता है, उसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ कुछ किसान भाई जुड़े हैं, तो उनसे मिलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? किशन लाल। तो आपके धान में कौन कौन सा घास है? मरेटी भी है, सहमक भी है, ढीला भी है, सहमक भी है। मरेटी कौन सी है? इसमें मरेटी है। तो देखिए, ये मरेटी घास है, मरेटी ढीला कौन सा है? नुकसान ढीला ये है। और एक और बता रहे थे आप, ये सहमक है, ये सहमक है। क्या नुकसान बताते हैं धान में? धान में नुकसान ही नुकसान है, ये जो जोर पर है वो तो पेटो कमजोर हो वो। तो एक किसान और है हमारे साथ, उनसे और मिलते हैं, जानते हैं उनसे भी। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? प्रदीप है, और मैं ये 2 एकड़ की फसल लगा रखी है मैंने, धान की है, और इसमें कुछ घास वगैरह खरपतवार अच्छे हैं इसमें भी, जो धानों के लिए हानिकारक है। कौन कौन से खरपतवार है दिखाते हैं आपको। मकड़ा भी है, ये देखिए मकड़ा, ये नीचे ग्रोथ करता है पूरी, और धानों के बिल्कुल भी पुटाव में नुकसान ज्यादा करता है पुटाव के। और फिर आ जाता है ये डिल्ला, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है धानों के लिए, नुकसान ज़्यादा करता है ये। और भी कोई घास है क्या इसमें? और ये बट्टी, इसको बट्टी कहते हैं, ये भी धानों का ही घास है। और एक ये चमक, ये भी ज़्यादा फैलाव करता धानों के अंदर, नुकसान करता जड़ों को, कमजोर बना देता जड़ों को। ठीक है, धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो आज आपने जाना कि धान की फसल के अंदर कौन कौन से खरपतवार है। हेलो एवरीवन, माइसेल्फ अमन वर्मा, और आज मैं आया हूँ इस धान के खेत में, और आज हम डिस्कस करेंगे धानों में होने वाली कुछ एक वीड्स यानी कि खरपतवार के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो वीड देख रहा हूँ वो है ये, इसको साइंटिफिकली हम बोलेंगे एकिनोक्लोआ कोलोना, और कॉमन नेम भी है इसका, कॉमन नेम है जंगल राइस, और डेक्कन ग्रास भी बोल देते हैं हम इसको कॉमनली। और ये इसकी फैमिली है पोइसी, मतलब ये फैमिली ऑफ ग्रासेस से बिलोंग करती है। और इसके लीव्स आप देख रहे हैं, इसके फ्लैट लीव्स हैं और ज़्यादा लॉन्ग लीव्स नहीं हैं, तो इसके फ्लैट लीव्स हैं। और इसका बेस जो है ये रेड पर्पल, इसका बेस दिख रहा है हमें। और इस राइस के जो है वो एलीलोपैथिक इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब इस वीड के जो है वो एलीलोपैथिक इफ़ेक्ट्स ऑन राइस हैं, मतलब ये कुछ ऐसे बायोकेमिकल सेक्रीट करेंगी जो कि राइस की ग्रोथ, जर्मिनेशन या फिर प्रोडक्शन सर्वाइवल को ये इनहिबिट करेगी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीड के बारे में। सेकेंड वीड थोड़ा यहाँ पर है, वो है ये। सो इस वीड का साइंटिफिक नेम है एकिनोक्लोआ क्रशगली, और इसको कॉमनली हम बोल देते हैं बार्नयार्ड ग्रास, और स्वैंक भी बोल देते हैं। और ये वीड भी पोइसी फैमिली, मतलब ग्रास फैमिली, फैमिली ऑफ ग्रासेस से बिलोंग करती है। और इस वीड की हाइट 125 सेंटीमीटर तक चली जाती है, ये तो अभी छोटा है, वैसे 125 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट चली जाती है। और इसके लीव्स, इसके लॉन्ग फ्लैट लीव्स हैं, और विच आर पर्पलिश, थोड़े से पर्पलिश होते हैं बॉटम में। और जो इसके भी एलीलोपैथिक इफ़ेक्ट्स हैं राइस पर, और जो इसकी स्टेम है ज़्यादातर अपराइट ही होती है बस। जो तीसरी जो वीड है वो है ये, इसका साइंटिफिक नेम है क्लोरिस बारबाटा। क्या नाम है? क्लोरिस बारबाटा, और इसको कॉमनली हम विंडमिल ग्रास और फिंगर ग्रास भी बोल देंगे। फिंगर ग्रास इसलिए बोल देते हैं कि जो इसके स्पाइक्स है वो थोड़ा समवट फिंगर से रिजेंबल करते हैं। और ये भी वीड पोइसी फैमिली से बिलोंग करती है।
और जो इसके लूजली अप्रेस स्पाइक्स है ये इसका वन ऑफ इट्स आइडेंटिफाइंग करेक्टर है और ये वीड आपको यूजली रोड साइड पर भी मिल जाएगी। तो अब जो चौथी वीड है जो राइस में होती है वो है ये, इसको थोड़ा उखाड़ लेता हूँ मैं, तो ये है वो वीड। तो इसको साइंटिफिकली बोलते हैं हम साइनाडोन डैक्टिलॉन और इसका कॉमन नेम बर्मुडा ग्रास और दूब भी बोल देते हैं हम। और जो इसके रिंग जो मतलब ये वाइट हेयर है ये इसके वन ऑफ इट्स आइडेंटिफाइंग करेक्टर है। और ये वीड भी हमारी पोइसी फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब ग्रास फैमिली से। और इसके लीव्स ग्रे ग्रीन है, ग्रे ये कलर थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, ग्रे वीन्स है इसकी। और ये वीड पेरिनियल वीड है, मतलब ये आपको ऑलमोस्ट हर सोयल टाइप में मिल जाएगी। नमस्कार, माय नेम इज रितेश और आज हम आए हैं धान के खेत में और आज हम बात करेंगे सामक नामक खरपतवार की, जो कि धान की ग्रोथ में बहुत ही अड़चन बनता है और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। इसका इलाज हम अर्ली स्टेज में ही कर सकते हैं, वैसे जब ये ग्रोथ ज़्यादा कर जाता है तब इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम मेनली नोमनी गोल्ड नाम से खरपतवार नाशक आती है जो कि इसके रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। और इसमें सोल्ट होता है बेरीवैक्स सोडियम जो इसके ग्रोथ को रोकता है मेनली और इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये अजाम हम आपको अवगत कराते हैं जो कि किसान बहुत से इग्नोर कर देते हैं, जो मेनली धान की मेड या आप ड्योल कह सकते हैं उस पर पाई जाती है। इसे मेनली मकड़ा, दूब और डिल्ला पाया जाता है जो कि धान में किसी तरह का शीत ब्लास्ट हो सकता है इसकी वजह से। ये आप देख सकते हैं दूब या डिल्ला, ये धान में शीत ब्लास्ट नाम से एक बीमारी पाई जाती है, उसमें बहुत मदद करते हैं उस बीमारी में लाने के लिए। इनका इलाज होता है कैप लगा के और राउंड अप का फेस ये ख़त्म कर सकते हैं और इसका अलग तरीका है। इसका दूसरा भी इलाज है कि जैसे कि आप उधर देख सकते हैं कसी से हम इसे हटा सकते हैं, मैनुअली हटा सकते हैं, जो कि वैसे इकोनॉमिकली रहता है लेकिन ये दोबारा हो जाता है, दोबारा ग्रोथ कर जाता है बाद में अगर समय समय पर इसे साफ़ करना पड़ता है। हाँ जी, तो आज आए हैं किसान के पास और हमें बता रहे हैं कि इनका इलाज खरपतवार का इलाज कैसे किया जाए। बताओगे एक बार ये जो ये सामक इसका इलाज कैसे किया जाता है? सामक पे भाई जैसे जीरी लगाते हैं उससे 15 दिन बाद नोमनी गोल्ड का सफरा कर देते हैं उसको। अच्छा जी, और भट्टी को कैसे ख़त्म किया जाता है? बस वही करते हैं, भट्टी भी ख़त्म करते हैं सारा, मतलब वही करते हैं। अच्छा जी, और ड्योल पे होता है इसको कैसे ख़त्म करते हैं? इस पर राउंड अप भी मार देते हैं, जैसे टंकी के ऊपर नोजल के ऊपर ढक्कन लगा के ना। अच्छा जी, और फिर इसको आराम आराम से मार देते हैं ताकि पैसे ना लगे। इसमें कितना खर्चा आ जाता है जी, जैसे खरपतवार हटाने में? जी भाई 2-3 हज़ार रुपये खर्चा आते इसका पर किला, क्यों बीच में कुछ रह जाए अगर ना मरा तो फिर वहाँ से निकालना पड़े, दिहाड़ी देनी पड़े मजदूरों को। डांस आगे पेड़ खड़े हैं। अच्छा जी, ये भी तो निकलवाने पड़े हैं। अभी जो हमने सारी जो वीड्स डिस्कशन की है, वीड्स का डिस्कशन किया है, वो सब हमने एक प्रेजेंटेशन में भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।